लंबे अरसे से बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। ऐसे में नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पर रोका सेरेमनी का वीडियो शेयर करते हुए अब इस बात पे मुहर लगा दी है कि रोहन और नेहा जल्द ही शादी करने वाले हैं। पिछले काफी वक्त से दोनों की लव लाइफ को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन अब ये सबके सामने हो चुका है कि शायद वो जल्द ही शादी कर लें। सभी को लग रहा था कि ये शायद उनके नए आने वाले गाने जिसका नाम है नेहू द व्याह, इसको लेकर के प्रमोशन चल रहा है। लेकिन जब दोनों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया तो ये खबरें साफ हो गईं और फैंस को लगने लगा कि अब जल्द ही नेहा और रोहन प्रीत शादी कर लेंगे। ना केवल फैंस और सेलिब्रिटीज उनके इस नए वीडियोस को देखकर हैरान हैं, बल्कि सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इतना जल्दी उन्होंने फैसला कैसे कर लिया। ऐसे में उनके दोस्त आदित्य नारायण भी काफी हैरान दिखाई दे रहे हैं। आदित्य ने नेहा के फैसले को इशारों इशारों में जल्दबाजी कहा। उनका कहना है कि नेहा रोहन को कुछ वक्त पहले ही मिली थी और इतनी जल्दी उन्होंने शादी के बारे में कैसे सोच लिया। इस बारे में आदित्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या वो सच में शादी कर रही हैं? मुझे तो कोई इनविटेशन नहीं मिला इस सो कॉल्ड शादी का। ये काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि वो रोहन को कुछ ही वक्त पहले मिली थी और उन्होंने वीडियो शूट के दौरान ही पहली बार उनसे मुलाकात की। क्या ये मुमकिन है कि आप किसी से एक महीने पहले मिलें और एक महीने में आप उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाएं? आप उनसे शादी कर लें? वहीं बात ये भी कि नेहा और उनके मंगेतर ने अभी तक मीडिया में अपनी शादी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। वहीं आदित्य कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उम्मीद है कि ये शादी सच में हो रही हो, क्योंकि दोनों की तरफ से ऐसे वीडियो शेयर कर कोई शादी की अफवाहों को बढ़ावा देगा। हालांकि मुझे शादी का कोई न्योता नहीं मिला है, इसलिए मैं उनकी शादी अटेंड नहीं करूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले आदित्य ने खुद नेहा की शादी की खबर को कंफर्म किया था और ये तक कहा था कि उनकी शादी दिल्ली में हो रही है, लेकिन वो कंधे में चोट लगने की वजह से नहीं जा पाएंगे। अब नेहा की शादी वाकई में होगी या नहीं, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।